लायंस क्लब ऑफ नागपुर की तरफ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नागपुर के नागरिकों के लिए एक रुग्णवाहिका एम्बुलेंस देवेंद्र फडणवीस को उनके कार्यालय में भेंट की गई, जिससे उम्मीद की गई है कि नागपुर के रुग्णों के लिए इस रुग्णवाहिका का उपयोग होगा। मेरे खुशी की बात है कि आज लायंस क्लब ऑरेंज सिटी नागपुर की ओर से एक जनसेवा के लिए एक एम्बुलेंस माननीय देवेंद्र जी फडणवीस को यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। मूलतः लायंस का जो काम है वो काम ही जनता की सेवा करना, और जो पिछड़े इलाके हैं उस पिछड़े इलाकों में हम कैसे हमारे सेवा कार्य का प्रभाव निर्माण कर सकते हैं, इसको देखने का काम लायंस क्लब हमेशा करता है। और इस बात की खुशी है कि आज हमारे पिंटू मेहाड़िया जी परिवार की ओर से उन्होंने एक एम्बुलेंस यहाँ पर दी है। आदमी ने बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, और इसलिए उन सारे क्लब के सदस्यों का, पदाधिकारियों का, दानदाताओं का, सहकार्य करने वाले सभी का दिल से बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। और विश्वास है कि ये एम्बुलेंस बंद नहीं होगी, ये एम्बुलेंस चलती रहेगी, इस एम्बुलेंस के अंदर लोगों को सेवा मिलती रहेगी, ये मेरी शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए है। और मुझे अंदर अभी जानकारी मिली, अभी मियाड़िया जी भी बता रहे थे कि विशेष रूप से इसकी चर्चा अंदर हो रही थी देवेंद्र जी के कमरे में कि धामन गांव में इसकी बहुत जरूरत है उस क्षेत्र में, तो जहां आवश्यकता है वहां पर सेवा और जहां आवश्यकता है वहां के लिए साधन ये उपलब्ध कराने का काम एक अच्छा किया है। तो मैं लायंस क्लब के ऑरेंज सिटी यूनिट को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। मैं स्वयं भी एक लायन हूँ, और कोरोना पीरियड में हमने भी एक एम्बुलेंस हमने ली, और वो भी नागपुर में लोगों की सेवा कर रही है। तो हम सभी लायन मेंबर इसी प्रकार से अपने अपने माध्यम से हमेशा सेवा करते रहते हैं। इसकी संकल्पना लायंस क्लब के एमजेएफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर पिंटू मुहाड़िया ने रखी, और इसमें सहभाग दिया अध्यक्ष पूनम मुहाड़िया, सचिव रूपाली केदार, कोषाध्यक्ष राखी खरे, प्रवीण पवार, परेश इटकेलवार, विनोद सोलव, सतीश खरे, नितिन केदार, मधुसूदन फुंडे, मनोज बोबड़े, राजेश नानोटकर, सुबोध मांजरे, प्रकाश भोरकर, श्रीकांत लाखे, संजय चौधरी, ईश्वर राउत, सुनील वैद्य, विनोद ढोबड़े और लायंस क्लब ऑफ नागपुर ऑरेंज सिटी के सभी सदस्यों ने। NBC न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।